आज हम लोग क्लास 11 पाठ समुच की प्रश्नावली 1.6 करेंगे। तो इसके अंतर्गत देखिए, पहला प्रश्न है, यदि यक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि, प्रश्न नंबर एक में लिखा है, देखिए इसमें लिखा है यन एक्स बराबर 17 और यन वाई बराबर 23 और यन एक्स सम्मिलन वाई बराबर 38, तो यन एक्स सर्वनिष्ठ वाई ज्ञात करना है हमको। तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे हम लोग। सूत्र होता है यन एक्स सम्मिलन वाई बराबर यन एक्स प्लस यन वाई माइनस यन एक्स सर्वनिष्ठ वाई। हमको यही ज्ञात ही करना था, तो हम इसको एक बार इधर पक्षांतर कर लें, या तो यहीं पे मान रख देते हैं। तो इसका मान रखते हैं 38, ये 17 और ये 23 माइनस यन एक्स सर्वनिष्ठ वाई। 38 बराबर, इनको जोड़ लें, 7 3 10 हासिल 1 2 3 और 1 4 माइनस यन सर्वनिष्ठ वाई। इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे और 38 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो यन एक्स सर्वनिष्ठ वाई बराबर 40 माइनस 38। तो इस प्रकार ये दो आंसर आ गया। तो ये हो गया प्रश्न नंबर एक है, बहुत ही सरल प्रश्न था। अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं। प्रश्न नंबर दो में है, यदि यक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि यक्स सम्मिलन वाई में कितने अवयव दिए हैं, 18, तो ये जगह यन यक्स सम्मिलन वाई बराबर 18, यक्स में 8 तो यन यक्स बराबर 8 और यन वाई बराबर 15। हमें क्या ज्ञात करना है, यन एक्स सर्वनिष्ठ वाई में कितने अवयव ज्ञात करना है, तो यन यक्स सर्वनिष्ठ वाई ज्ञात करना है। हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, यन एक्स सम्मिलन वाई बराबर यन यक्स प्लस यन वाई माइनस यन एक्स सर्वनिष्ठ वाई। पहले वाले प्रश्न में भी यही ज्ञात करना था यक्स सर्वनिष्ठ वाई, और इस बार भी यक्स सर्वनिष्ठ वाई ही ज्ञात करना है। तो हम इसमें मान रख लेते हैं, सम्मिलन में इसमें 18 दिया है और ये 8, ये 15 और ये हमें ज्ञात करना है। 18 बराबर, इनको जोड़ लेंगे, 8 5 13 10 23 माइनस यन एक्स सर्वनिष्ठ वाई। इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो जाएगा यन एक्स सर्वनिष्ठ वाई बराबर 23 माइनस 18, तो इस प्रकार ये 5 प्राप्त हो गया। तो यक्स सर्वनिष्ठ वाई में कुल 5 अवयव हैं। तो प्रश्न नंबर दो हो गया, प्रश्न नंबर अब 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में है, तो इसमें लिखा है 400 व्यक्तियों के समूह में, देखिए हमको पहले 400 कुल व्यक्ति ही दिया है, इसमें 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 में जो जो सूचना दी है उसको हम यहाँ लिखते हैं। पहले सबसे पहले हमको 400 व्यक्ति दे रखा है, तो इसमें हमको समिष्टि समुच्चय में अवयवों की संख्या कुल 400 लेंगे हम, और फिर इसमें हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले हैं, तो इनको हम पहले क्या लिखते हैं, लिखेंगे माना यच हिंदी बोल सकने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है।
ए वॉर्म, इसमें ई है तो ई अंग्रेजी बोल सकने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है। तो इस प्रकार हमको देखिए यन यच कितना दिया है, यन यच बराबर 250 और अंग्रेजी बोलने वाले कुल 200 दिया है। और इसमें देखिए इसमें ऐसा कहीं कोई वाक्य नहीं लिखा है कि इसमें ऐसे लोग नहीं हैं जो अंग्रेजी और हिंदी नहीं बोल सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए जो ये 400 व्यक्ति दे रखा है, ये 400 व्यक्ति इसमें ये हमको दिया हुआ है यच सर्मिलन ई दिया हुआ है ये 400, ठीक ना। तो इसमें अगर ऐसा दिया होता कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ना तो हिंदी और ना ही इंग्लिश बोल सकते हैं, तब ये हमको ये सम्मिलन ये नहीं होता, 400 नहीं होता, ठीक। अतः यच यूनियन ई बराबर ये 400 हो गया। और हमें क्या ज्ञात करना है, हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो हमको देखना है यच सर्वनिष्ठ ई ज्ञात करना है। हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यन यच सम्मिलन ई बराबर यन यच प्लस यन ई माइनस यन यच सर्वनिष्ठ ई हो जाए। इसमें मान रख लेंगे हम लोग तो ये 400 बराबर यन यच 250 प्लस ये 200 माइनस यन यच सर्वनिष्ठ ई, ये 400 बराबर ये 250 और 200 450 माइनस यन यच सर्वनिष्ठ ई। हम इसको इधर पक्षांतर और इसको इधर पक्षांतर, है ना, इसको बाईं तरफ और इसको दाईं तरफ पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 450 माइनस 400 तो ये आ जाएगा 50। तो लिखेंगे अतः हिंदी और अंग्रेजी बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 50 लोग हो जाएंगे। तो ये प्रश्न नंबर 3 का हल हो गया। प्रश्न नंबर अब 4 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में है, यदि यस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि यस में, तो यस में अवयवों की संख्या इसलिए यन यस लिख रहे हैं 21, टी में तो यन टी बराबर 32 और यन यस सर्वनिष्ठ टी बराबर 11, तो हमको यस सम्मिलन टी ज्ञात करना है। इस पर सीधे सूत्र पर मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सूत्र लिख लेते हैं, यस यूनियन टी बराबर यन यस प्लस यन टी माइनस यन यस सर्वनिष्ठ टी। तो इसमें यन यस सम्मिलन टी का मान आ जाएगा, पहले यहाँ रख लेते हैं 21 प्लस 32 माइनस 11, इनको जोड़ें 2 और 1 3 और 3 2 5 माइनस 11 तो ये 42 आ जाएगा। तो इस प्रकार यस यूनियन टी हमको 42 प्राप्त हो गए। यस यूनियन टी में 42 अवयव होंगे। तो प्रश्न नंबर 4 हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है, यदि यक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि यक्स में 40, तो इसमें लिखा है यन यक्स बराबर ये 40 दिया हुआ है और यन एक्स सम्मिलन वाई बराबर 60 और यक्स सर्वनिष्ठ वाई में
10 अवयव हैं, तो y में कितने अवयव हैं, हमको n y ज्ञात करना है। तो इसमें पुनः हम सूत्र लगा लेंगे, तो ये सूत्र होता है n x यूनियन y बराबर n x प्लस n y माइनस n x सर्वनिष्ठ वाई, x यूनियन y 60 मान दिया ये रख लिए, ये 40 हो गया, ये हमें ज्ञात करना है और ये हमको 10 दिया है, तो ये हो गया 40 में से 10 गया 30 प्लस n y, तो n y प्राप्त हो जाएगा 60 माइनस 30 तो 30 हो गया। तो यही क्वेश्चन पूछा था, तो लिखेंगे अतः y में 30 अवयव होंगे। प्रश्न नंबर 5 का भी हल हो गया, अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है 70 व्यक्तियों के समूह में, कुल 70 व्यक्ति दे रखा है, इसमें 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। तो देखिए इसमें कॉफ़ी लिख लेते हैं, माना सी कॉफ़ी, पहले कॉफ़ी है, कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, है एवं टी चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है। तो इसमें हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको देख लेते हैं, कॉफ़ी के लिए कितने लोग हैं 37, तो एन सी बराबर ये 37 हो गया, एन टी बराबर 52 हो गया, और देखिए इसमें एक लिखा है, देखिए कुल 70 व्यक्ति थे तो प्रारंभ में हमको एन यू हमको समझ में आ रहा है कि ये कुल 70 लोग हैं, ठीक ना, मगर अगर आगे की लाइन अगर पढ़े हम तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, इसका मतलब हुआ कि इनमें से 70 व्यक्तियों में ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि ना तो हम चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं, ठीक ना, मतलब इसका ये हुआ कि ऐसे 70 व्यक्तियों में सभी व्यक्ति कुछ न कुछ दोनों में से किसी न किसी को पसंद करते हैं, या तो वो कॉफ़ी को पसंद करते हैं, या तो चाय को पसंद करते हैं, या तो दोनों को पसंद करते हैं, ठीक ना। तो अगर इस प्रकार का ये लाइन लिखा हो तो हमको ये जो ये यूनिवर्सल जो समष्टि समूह में अवयव की संख्या 70 है वो हमको यहाँ पर ये सी सम्मिलन टी प्राप्त हो जाएगा, बराबर ये 70 ही कहलाएगा, ठीक ना। तो इस लाइन का ख्याल रखिएगा, तो इस प्रकार ये इसके बराबर हो गया। अब हमें क्या प्राप्त करना है, कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, तो हमको इनका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है ना, दोनों को पसंद करने वाले, तो हम सूत्र लगा लेते हैं, एन सी सम्मिलन टी बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी सम्मिलन टी, तो मान रख लेते हैं ये है 70 और ये है 37 प्लस 52 माइनस एन सी सम्मिलन टी, 70 प्लस ये 7 8 9 5 3 8 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। अब इसको बाईं तरफ और इसको दाईं तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो एन सी सम्मिलन टी सर्वनिष्ठ टी,
ठीक ना, 89 माइनस 70 ठीक ना, 89 माइनस 70 तो ये हो जाएगा 70 गया तो कितना, ये 9 और ये 19, तो कुल 19 लोग ऐसे हैं जो दोनों पेय पदार्थ को पसंद करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे अतः कॉफी और चाय दोनों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 19। तो प्रश्न नंबर 6 का हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में है 65 व्यक्तियों के समूह में, ठीक ना, तो कुल मिला के पहले 65 हैं, तो हम पहले यहाँ लिख लेंगे ये यूनिवर्सल सेट में अवयवों की संख्या कुल 65 है ना, मतलब सबसे अधिक सबसे बड़ा मान यही 65 है। अब इसमें लिखा है 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे माना क्रिकेट, तो लिखेंगे सी क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है। और फिर टेनिस के लिए है तो लिखेंगे एवं टी टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है, तो इसमें 40 व्यक्ति क्रिकेट, तो यन सी बराबर ये 40 हो गया, और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को, तो ये हो जाएगा सी सम्मिलन टी बराबर ये 10 हो जाएगा पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, तो देखिए इसमें बोलता है टेनिस को पसंद करते हैं मगर क्रिकेट को नहीं, ठीक ना, मतलब वे अवयव जो टी में हैं मगर सी में नहीं है, ठीक ना, तो टेनिस पसंद करेंगे मगर क्रिकेट को पसंद नहीं करेंगे, तो हमको ये ज्ञात करना है, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक ना, हमको ये भी याद करना, ये एन टी भी ज्ञात करना है। देखिए इस प्रश्न में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो न तो क्रिकेट खेलते हों और ना ही टेनिस खेलते हों, ठीक ना, इसमें ऐसा कहीं कोई नहीं लिखा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो टेनिस नहीं खेलते हों ना ही क्रिकेट खेलते हों, तो हम इसमें मानेंगे कि इस वाले 65 लोगों में ऐसा 65 वालों में ही ऐसे सभी व्यक्ति हैं जो या तो क्रिकेट खेलते हों या तो टेनिस पसंद करते हों, ठीक ना। तो इस प्रकार ये जो ये समष्टि समुच्चय में 65 लिखा है हमने, तो यहाँ पर हमको ये सी सम्मिलन टी प्राप्त हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। तो अब हम लोग सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र होता है यन सी सम्मिलन टी बराबर यन सी प्लस यन टी माइनस यन सी सर्वनिष्ठ टी, यहाँ मान रख लेंगे ये 65 दिया हुआ है बराबर यन सी 40 यन टी हमको ज्ञात करना है और ये 10 दिया हुआ है, तो 65 बराबर 40 में से 10 गया यहाँ 30 प्राप्त हो जाएगा और ये एन टी, तो एन टी हो जाएगा 65 माइनस 30 तो ये हो जाएगा 35, तो कुल टेनिस खेलने वालों की संख्या
35 है। तो देखिए ये जो टी है वे ये जो 35 व्यक्ति ये हैं, तो इनमें ऐसे लोग भी हैं जो टेनिस भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। अब हमको दिखाना है कि केवल टी खेलते हो, टेनिस खेलते हो मगर क्रिकेट नहीं खेलते हो। हम इसको एक बार ग्राफ से वेन डायग्राम दिखा लेते हैं। तो ये है समष्टि समुच्च, इसके अंतर्गत दो समुच्च बना लिया, एक बनाया क्रिकेट खेलने वाला और एक खेलने वाले टेनिस। तो ये क्रिकेट और ये टेनिस। अब इसमें देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है, तो ये है कि केवल सी खेलते हैं मगर टी को नहीं, है ना। मतलब केवल क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं ये, ठीक ना। मतलब सी माइनस टी का मतलब हुआ क्रिकेट खेलते हैं मगर टेनिस नहीं खेलते, ये प्योर केवल क्रिकेट ही खेलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन हुआ, ये वाले हैं ऐसे लोग हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं मगर क्रिकेट नहीं खेलते। और ये वाला पोर्शन ऐसा है जो दोनों लोग दोनों खेल खेलते होंगे। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि टेनिस खेलते हों क्रिकेट नहीं खेलते। अगर हम इसका इस वेन डायग्राम को देखें तो हमको ये वाला पोर्शन ज्ञात करना है। और ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, क्रिकेट खेलने वाले सभी व्यक्तियों में से हम एक जो दोनों खेल खेलते हों, ये जो दोनों खेल खेलने वाले हैं, अगर हम इनको घटा दें तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, है ना। केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, हमको यहाँ टेनिस निकालना है तो सॉरी इसमें देख लेंगे, तो हमको टेनिस केवल टेनिस खेलने वाले को संख्या निकालनी हो तो हम केवल इसमें से देखें, ये पूरा टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों में से हम अगर ये सर्वनिष्ठ वाला पार्ट मतलब जो दोनों खेल खेलते हैं उनको अगर हटा दें तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं यन सी सॉरी टी माइनस सी, तो ये हो जाएगा यन टी माइनस यन सी सर्वनिष्ठ टी, ठीक ना। टी माइनस सी लिखना है तो इसको लिखेंगे टी में जितने भी अवयव हैं कुल और इसके सर्वनिष्ठ पार्ट को माइनस कर देंगे, ठीक ना। तो ये वाला हमको पोर्शन निकल जाएगा। तो यन टी कितना है, यन टी देखिए हमने यहाँ निकाला 35, तो यहाँ 35 लिख देते हैं, माइनस सर्वनिष्ठ पार्ट कितना है 10, तो 10 लिख देंगे तो इस प्रकार इसका 25 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो यन टी माइनस सी हो गया, ठीक ना। अगर हमको ऐसा भी निकालना होता कि केवल क्रिकेट खेलते हों, ठीक ना, केवल क्रिकेट खेलते हों, मतलब कि क्या हुआ कि केवल क्रिकेट खेलते हैं तो मतलब टेनिस नहीं खेलते, तो हम ये वाला सी माइनस टी लगाए होते तो हमको वो ज्ञात हो जाता। तो इस प्रकार 35 और 25 आ गया, तो हम इसको शब्दों में लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे अतः पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किनको, है ना। लिखेंगे अतः केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, क्रिकेट को नहीं पसंद करने वाले, किंतु क्रिकेट को नहीं व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या तो कितनी हो गई, देखिए टी माइनस ये तो हो गया 25, और इसमें लिखा है क्वेश्चन कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद, तो लिखेंगे एवं टेनिस को पसंद करने वाले, टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर ये 35 है, ठीक ना। इसको ऊपर लिख देंगे,
व्यक्तियों की संख्या यहाँ लिख देंगे, इसका ये 25 और इसका 35 यहाँ लिख देते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 का हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषा को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं? तो लिख लेते हैं पहले, माना एफ फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है एवं यस स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है। इसमें लिखा था कि 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो ये हो जाएगा एन एफ बराबर 50, 20 व्यक्ति स्पेनिश एन एस बराबर 20, 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच, तो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, तो ये हो गया यस अवनिष्ट एस, 10 व्यक्ति हो गया। इसमें लिखा है क्या ज्ञात करना हमको, कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो देखिए, कम से कम का मतलब होता है अधिक से अधिक जितना भी हो जाए, मगर कम से कम एक भाषा तो ये बोलेगा ही, मतलब एक भी बोल सकता है, दो भी बोल सकता है और दोनों भी बोल सकता है। तो कम से कम का मतलब यही होता है कि अधिक से अधिक जितना भी हो, मगर कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब हमको ये यक्स यन यफ सम्मिलन एस ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यफ सम्मिलन एस का मतलब कि यफ भी बोल ले, या तो यस भी बोल ले, या यफ और यस दोनों बोल सकता हो। तो हम इसमें सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, यन यफ सम्मिलन एस बराबर एन एफ प्लस यन एस माइनस यन एफ सर्वनिष्ठ एस। एफ कितना, 50 प्लस 20 माइनस ये 10, तो 50 दो 70 माइनस 10 बराबर ये 60 प्राप्त हुआ। तो लिख लेंगे, अतः दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर ये 60 है। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। अब हम विविध प्रश्नावली को हल करेंगे।